वही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जहां न्याय व्यवस्था उचित होती है वो देश सफलता की तरफ बढ़ता है। भारत में न्यायतंत्र मजबूत है। 75 वर्ष की यात्रा में हमने 400 करोड़ रुपए की बजट से शुरू किया था और इस बार हमने 48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। उच्च न्यायालय की 75वीं वर्ष की अभूतपूर्व योगदान रहा है, उसकी विशेषता प्रमाणिकता आज पूरे देश के अंदर जो स्थिति बार संपर्क करते हैं, यहाँ के कई एडवोकेट और यहाँ के कई न्यायाधीश अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपनी कमी से ज्यादा यहाँ के न्यायाधीशों ने उच्चतम न्यायालय के अंदर अपनी सेवाएं किए। कई यहाँ के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में सेवाएं दी है। मैं कह सकता हूँ कि 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने न्यायाधीश के अंदर विश्वास न्यायालय की भूमिका आज दुनिया में भारत का लोकतंत्र विशिष्टता प्रमाणिकता है और लोगों को सहज सुलभ सस्ता न्याय मिले, इसके लिए न्यायालयों ने भी अपने कामकाज में व्यापक परिवर्तन किया है। और जहां न्याय व्यवस्था उचित होती है वो देश सफलता की ओर चलता है। हम कह सकते हैं कि भारत में न्याय तंत्र मजबूत है, जिससे हमारे देश का संविधान और उसकी मूल भावनाओं को हम मानते हुए देश आगे बढ़ रहा है। और इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने 400 करोड़ के बजट से शुरू किया था, आज 48 लाख करोड़ का बजट हमने पेश किया है, जो हमारे लोकतंत्र की यात्रा को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से चर्चा संवाद सहमति असहमति इस लोकतांत्रिक देश के अंदर हमने इतने बड़े परिवर्तन